Hello students, today I am going to explain pointers in C language. You know, whenever we write a program, then we declare variables. Now, what is the purpose of declaring variables? हमें जब भी कोई भी स्टोरेज की ज़रूरत होती है, मतलब क्या कि सपोज हमें कंसिडर करो कि एग्जाम्पल कि हमें एडिशन करनी है टू नंबर्स की, तो उस प्रोग्राम में हम क्या करेंगे, टू वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे, इंटीजर टाइप के या फिर फ्लोट टाइप के. तो वेरिएबल क्या होता है एग्जैक्टली? वेरिएबल इज नथिंग बट अ नेम गिवन टू मेमोरी लोकेशन हुज वैल्यू कैन बी मॉडिफाइड ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम. बट सी व्हाट इज दिस एग्जैक्टली, दिस इज जस्ट अ डेफिनेशन. वेरिएबल इज जस्ट लाइक अ कंटेनर. ओके, आपको क्या है कि जब भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है तो रैम हम यूज करते हैं. रैम मतलब क्या है? इट इज जस्ट अ मेमरी. ओके, जो भी आपको स्टोर करना है वहाँ पे हम स्टोर कर सकते हैं, बट डायरेक्टली नहीं स्टोर कर सकते. आपको क्या करना पड़ेगा, सम स्पेस उस रैम से रिजर्व करना पड़ेगा फॉर दैट पर्पज. गेटिंग? तो हम क्या करेंगे, अगर आपको टू इंटीजर स्टोर करने, इंटीजर्स क्यों, क्योंकि सपोज हमें टू होल नंबर्स की एडिशन करनी है, तो होल नंबर स्टोर करने के लिए इंटीजर डेटा टाइप है. ओके, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे टू इंटीजर्स के लिए स्पेस रिजर्व करेंगे, लाइक लेट ए कॉमा बी. ओके, इस टाइप पे हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं. ओके, इन सी में, अगर इन सी प्लस प्लस में ऑल्सो, तो इंट ए कॉमा बी ऐसा जब हम करेंगे तो क्या होगा, मेमोरी में 4 बाइट्स रिजर्व होंगे, कहीं पे भी जहाँ पे भी फ्री स्पेस है वहाँ पे, और उसको नेम दिया गया ए एंड बी. ओके, तो ए एंड बी ऐसा नेम, दैट इज जस्ट अ आइडेंटिफायर. आइडेंटिफायर मतलब क्या है कि आइडेंटिफायर इज अ नेम गिवन टू एनी वेरिएबल, एनी फंक्शन. अगर आप कोई भी एरे को, फंक्शन को, वेरिएबल को, या फिर कोई भी स्ट्रक्चर आप क्रिएट कर रहे हो, तो उसको जो भी नेम दे रहे हो तो उसको कहते हैं आइडेंटिफायर. ओके, दैट इज ओनली फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पज. तो मेमोरी में जब भी हम स्पेस एलोकेट कर रहे हैं कुछ स्टोरेज के लिए, कंपलसरी है कि आपको कुछ स्टोर करना है तो वहाँ पे कुछ कंटेनर चाहिए, तो उसमें आप स्टोर कर सकते हो. यहाँ पे भी सेम है, आप जब भी प्रोग्राम लिख ले, प्रोग्राम जब भी एग्जीक्यूट होगा, तो अगर यूज़र कुछ एंटर कर रहा है वैल्यूज, तो उसको स्टोर करना चाहिए, या फिर हमें कुछ वैल्यूज लेने हैं डायरेक्टली तो भी उसको स्टोर करना चाहिए. हम कुछ रिजल्ट कंप्यूट कर रहे हैं तो उसको भी स्टोर करना चाहिए. हम जब भी इंट ए कॉमा बी लिख रहे हैं तो मेमोरी में 4 बाइट्स रिजर्व हो गए और उसको ए और बी नेम दिया गया. इनिशियली बोथ विल हैव गार्बेज वैल्यूज. गार्बेज मीन्स वो कोई भी यूज की नहीं है, यूजलेस. ओके, नाउ इट मे हैव एनी एड्रेस. सपोज इट्स, इस वेरिएबल का एड्रेस है 1000, इस वेरिएबल का एड्रेस है 1246, एनीथिंग, इट मे बी एनीथिंग. ओके, क्योंकि ये लोकेशन नंबर है, रैम में जो भी स्पेस है उसको डिवाइड किया है ब्लॉक्स में और उस ब्लॉक्स को एक लोकेशन नंबर दिया है. ओके, नाउ वेरिएबल ए का एड्रेस है 1000 और बी का एड्रेस है 1246. इन दिस वे, तो हम इस स्पेस में जो भी आप यूज़र से वैल्यू एक्सेप्ट करेंगे थ्रू स्कैन ऐप, तो यहाँ पे आप स्टोर कर सकते हो और उसके एडिशन कंप्यूट करके आप डिस्प्ले कर सकते हो. दिस इज़ अ वेरिएबल कॉन्सेप्ट. मीन्स वेरिएबल इज नथिंग बट अ नेम गिवन टू मेमोरी लोकेशन. मीन्स यहाँ पे हम ए क्या है, एक वेरिएबल है, बी क्या है, एक वेरिएबल है. तो वेरिएबल वर्ड इट्सेल्फ इंडिकेट्स दैट इट्स वैल्यू कैन वेरी. ओके, मीन्स उसकी वैल्यू मॉडिफाई हो सकती है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के ड्यूरिंग. नाउ ये पॉइंटर क्या है, ये भी एक वेरिएबल है. ओके, तो इस नॉर्मल वेरिएबल और पॉइंटर में क्या डिफरेंस है? तो नॉर्मल वेरिएबल क्या करता है, ये होल्ड करता है वैल्यूज को. मतलब आपको कोई नॉर्मल इंटीजर स्टोर करना है, मतलब होल नंबर, एनी कैरेक्टर, एनी फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू, इन दिस वे अगर आपको स्टोर करना है तो आप नॉर्मल वेरिएबल यूज कर सकते हो. ओके, बट पॉइंटर इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ डिराइव्ड डेटा टाइप. डिराइव्ड मतलब क्या है कि यह समवट मॉडिफाई करके वेरिएबल, मतलब इंटीजर है, तो इंटीजर नॉर्मल वेरिएबल कैन होल्ड अ होल नंबर. बट अगर आपको इसका एड्रेस स्टोर करना है एनी अदर वेरिएबल में, तो वो पॉसिबल है. यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि ये एड्रेस तो इंटीजर है, बट एक्चुअली इंटरनली इट इज़ अनसाइंड इंटीजर. बट आप अनसाइंड इंटीजर का कोई वेरिएबल क्रिएट करके उसमें तो एड्रेस स्टोर नहीं कर सकते हो, दैट इज़ नॉट अलाउड. तो उसके लिए पॉइंटर्स कौन से प्रोवाइड किया है, सी एंड सी प्लस प्लस में. तो पॉइंटर क्या है, इट इज़ अगेन अ वेरिएबल, बट दैट कैन होल्ड एड्रेस ऑफ एनी अदर वेरिएबल. मतलब यहाँ पे हमने कोई इंटीजर वेरिएबल क्रिएट किया है और उसका एड्रेस हमें किसी और वेरिएबल में स्टोर करना है, दे तो अलाउड है, तो उसके लिए हम पॉइंटर वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं उसी टाइप का. इंटीजर पॉइंटर है तो वो होल्ड करेगा इंटीजर का एड्रेस, फ्लोट पॉइंटर है तो होल्ड करेगा फ्लोट का एड्रेस, इन दिस वे. गेटिंग? और उसको मॉडिफाई कर सकते हैं. मतलब इनिशियली सपोज एक पॉइंटर वेरिएबल हमने क्रिएट किया, उस वहां पे हम 1000 मतलब एड्रेस ऑफ ए स्टोर करें, तो अगर कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने के बाद हमें वो सेम पीटीआर को हम, मतलब सेम पॉइंटर में हम बी का एड्रेस स्टोर कर सकते हैं, दैट इज अलाउड बिकॉज इट इज अ वेरिएबल, मीन्स इट्स वैल्यू कैन बी मॉडिफाइड.
नाउ नेक्स्ट थिंग इज हाउ टू डिक्लेयर अ पॉइंटर. भाई डेटा टाइप लिखो पहले, उसके बाद में स्टार लिखो, और उसके बाद में दैट पॉइंटर वेरिएबल का नेम लिखो और गिव सेमी कोलन. दिस इज जस्ट अ सिंटैक्स टू डिक्लेयर अ पॉइंटर वेरिएबल. तो क्या है डेटा टाइप स्टार और पीटीआर वेर. मैं यहाँ पे जो भी वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है वो क्या है पॉइंटर वेरिएबल है. स्टार इंडिकेट करता है कि दिस इज नॉट अ ऑर्डिनरी वेरिएबल, दिस इज अ पॉइंटर वेरिएबल. और वो क्या करेगा उसका एक डेटा टाइप है. डेटा टाइप का मतलब यह है कि ये पॉइंटर इस डेटा टाइप के वेरिएबल का एड्रेस होल्ड करता है. फॉर एग्जाम्पल सपोज हमने यहाँ पे एक इंट एक्स इक्वल टू 10 वेरिएबल क्रिएट किया, तो इंटरनली क्या हो गया यहाँ पे 4 बाइट्स रिजर्व हो गए, उसका नेम है एक्स और यहाँ पे एड्रेस सपोज है 1111. ओके दिस इज जस्ट अ अजम्पशन, इंटरनली लोकेशन नंबर कुछ भी हो सकता है. तो अगर आपको इस एक्स का एड्रेस स्टोर करना है किसी और वेरिएबल में तो वहाँ पे हमें पॉइंटर वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा. तो कैसे किया देखो, इंट स्टार पीटीआर. पीटीआर इज नॉट कंपलसरी, ठीक है कंपलसरी नहीं पीटीआर लिखो. यहाँ पे आप कोई भी आइडेंटिफायर लिख सकते हो, ए बी सी एक्स वाई जेड एनीथिंग. नाउ पीटीआर इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ एक्स, क्या लिखा ये है एड्रेस ऑफ ऑपरेटर. एड्रेस ऑफ ऑपरेटर क्या करता है उस वेरिएबल का एड्रेस रिटर्न करता है. तो एड्रेस ऑफ एक्स मतलब 1111 इसने रिटर्न किया, तो वो कहाँ पे स्टोर हो रहा है पीटीआर में. जब भी आप इंट स्टार पीटीआर लिखते हो, जब भी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है तो मेमोरी में जस्ट लाइक दिस नॉर्मल ऑर्डिनरी वेरिएबल पीटीआर वेरिएबल क्रिएट हो रहा है. ओके इनिशियली इट विल नॉट हैव एनीथिंग, इट मे हैव एनी एड्रेस जस्ट लाइक अ नॉर्मल वेरिएबल. और तो यहाँ पे 4 बाइट्स ही रिजर्व हो रहा है बिकॉज पॉइंटर इज ऑलवेज होल्डिंग द एड्रेस. इट मे बी एनी कैरेक्टर पॉइंटर, फ्लोट पॉइंटर, इंटीजर पॉइंटर और एनी स्ट्रक्चर वेरिएबल पॉइंटर एनीथिंग. ओके मतलब ये पॉइंटर किसी भी टाइप का हो, मतलब इंट स्टार हो, कैर स्टार हो, फ्लोट स्टार हो, ऑलवेज सेम स्पेस अलोकेट होता है क्योंकि ऑल पॉइंटर्स आर होल्डिंग द एड्रेस. यानी एड्रेस कैरेक्टर का हो, इंटीजर का हो, फ्लोट का हो, इट डजेंट मैटर्स, इट विल बी सेम. That is just a location number, okay? But it is unsigned because location number कभी negative नहीं होता. तो internally जो भी type हो pointer is irrespective of type of pointer, same memory allocation will be there for all types of pointers. That is a space required to store one unsigned integer. ओके तो यहाँ पे पीटीआर के लिए 4 बाइट्स रिजर्व हो गए. तो इसमें क्या है कि हम एड्रेस स्टोर कर रहे हैं इस स्टेटमेंट से पीटीआर इक्वल टू एड्रेस ऑफ एक्स. तो यहाँ पे 1111 स्टोर हो गया, मतलब इनडायरेक्टली वी कैन से दैट हियर, मतलब यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि पीटीआर इज नाउ पॉइंटिंग टू एक्स. नाउ एक्स को पीटीआर पॉइंट कर रहा है, तो हम एक्स की वैल्यू पीटीआर के थ्रू भी फेच कर सकते हैं. गेटिंग, हमने पहले ये एड्रेस ऑफ ऑपरेटर देखा देख लिया. अब सेकंड ऑपरेटर है, सपोज हमें एक्स की वैल्यू डिस्प्ले करनी है, तो हम प्रिंटएफ से कैसे करेंगे, प्रिंटएफ लेट परसेंट डी कॉमा एक्स. ओके अगर एक्स प्रिंट करेंगे तो हमें 10 मिलेगा. अगर हम ऐसे कर रहे सपोज प्रिंटएफ ही लिखा है मैंने, परसेंट अनसाइंड इंटीजर के लिए परसेंट यू डी लिखा है मैंने, दैट इज फॉर अनसाइंड इंटीजर. तो यहाँ पे सपोज पी टी आर लिखा, पीटीआर में क्या है 111 है, तो पीटीआर अगर हम डिस्प्ले कर रहे हैं तो हमें 1111 जो भी एड्रेस ऑफ एक्स उसमें स्टोर्ड है वो डिस्प्ले होकर मिलेगा. ओके नाउ नेक्स्ट सी, तो जब भी हम पीटीआर को डिस्प्ले कर रहे हैं तो हमें एड्रेस ऑफ दैट एक्स, बिकॉज इन पीटीआर एड्रेस ऑफ एक्स इज स्टोर्ड हियर, तो हमें 1111 जो भी एड्रेस है पीटीआर में, जो भी वैल्यू, एक्चुअली वैल्यू ऑफ पीटीआर, दिस इज द मीनिंग दैट वैल्यू ऑफ पीटीआर इज 1111, वैल्यू ऑफ दिस लोकेशन पीटीआर वेरिएबल की वैल्यू क्या है अभी 1111 है, तो वो डिस्प्ले हो जाएगी. ओके नाउ सेकंड थिंग सी, सपोज हम डिस्प्ले कर रहे हैं स्टार पीटीआर. ओके ये स्टार डिफरेंट है और यहाँ पे जो भी स्टार मैंने पीटीआर के साथ यूज किया वो डिफरेंट है. दिस इज द डिक्लेरेशन ऑफ पॉइंटर वेरिएबल एंड हियर आई एम डायरेक्टली यूजिंग स्टार पीटीआर. ओके तो प्रिंटएफ में हम क्या करेंगे, प्रिंटएफ परसेंट डी कॉमा स्टार पीटीआर ऐसे लिखेंगे, तो क्या मिलेगा हमें आंसर वहाँ पे. स्टार का मतलब क्या है देखो, वैल्यू एट एड्रेस. ओके इसको इनडायरेक्शन ऑपरेटर भी कहते हैं, इन डायरेक्शन ऑपरेटर. अगेन इसको डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर भी कहते हैं, डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर. ओके तो ये स्टार क्या है, एक डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर है, यू कैन कॉल इट एज अ इनडायरेक्शन ऑपरेटर. वैल्यू एट एड्रेस, अगेन वैल्यू ऑफ ऑपरेटर, वैल्यू ऑफ मतलब यहाँ पे क्या होगा कि वैल्यू विच वॉट एवर स्टोर्ड एट दैट पर्टिकुलर एड्रेस. तो आप यही ध्यान में रखो, वैल्यू एट एड्रेस वेरी इजी है. वैल्यू एट एड्रेस और पीटीआर में क्या है अभी 1111 है, तो
तो स्टार यहाँ पे क्या हो गया 1111. तो स्टार 1111 मीन्स वैल्यू एट एड्रेस 111. नाउ सी द लोकेशन 1111, वेयर इज इट, वेयर इट इज हियर. तो यहाँ पे क्या वैल्यू है, 10 है. तो ये स्टार पीटीआर हमें 10 देगा. ओके, तो हम जब भी प्रिंटअप में अगर स्टार पीटीआर लिख रहे हैं तो वहाँ पे हमें 10 मिलेगा. हम इसकी वैल्यू भी मॉडिफाई कर सकते हैं इस लोकेशन की. देखो इस टाइप से स्टार पीटीआर इक्वल टू अगर हम 20 लिख रहे हैं तो यहाँ की वैल्यू हो जाएगी 20. स्टार पीटीआर का मतलब है वैल्यू एट एड्रेस पीटीआर, नॉट ओनली द पीटीआर. ओके, तो पीटीआर में कोई वेरिएबल का एड्रेस होगा तो उस वेरिएबल की वैल्यू को हम मॉडिफाई कर रहे हैं यहाँ. गेटिंग? तो एक्स का एड्रेस है पीटीआर में तो एक्स मॉडिफाई हो रहा है स्टार पीटीआर इक्वल टू 20 से. गेटिंग? दिस इज अ पॉइंटर कॉन्सेप्ट. मतलब पॉइंटर क्या है, एक वेरिएबल है उसमें हम एड्रेस स्टोर कर सकते हैं कोई भी ऑलरेडी डिफाइंड वेरिएबल का. तो पॉइंटर इज अ वेरिएबल दैट कैन होल्ड एड्रेस ऑफ एनी अदर वेरिएबल. इफ यू आर क्रिएटिंग एनी इंटीजर पॉइंटर तो इसमें हम इंटीजर वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर सकते हैं. अगर कैरेक्टर पॉइंटर आप डिक्लेयर कर रहे हो कैसे करोगे, कैर स्टार से. ओके, तो उसमें आप कोई भी कैरेक्टर वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर सकते हो. और इरिस्पेक्टिव ऑफ डेटा टाइप, डेटा टाइप कोई भी हो पॉइंटर का, सेम मेमोरी अलोकेट हो जाएगी जिस जो भी अनसाइंड इंटीजर की रिक्वायरमेंट है. तो 4 बाइट्स नॉर्मली होगी. ओके, नेक्स्ट वन ये सी पॉइंटर को हम कैसे डिक्लेयर कर रहे हैं, डेटा टाइप स्टार पीटीआर वेरिएबल. यहाँ पे देखो पीटीआर इज अ पॉइंटर वेरिएबल. दिस स्टार हम जब भी डिक्लेरेशन में यूज करते हैं तो उसका मीनिंग है ये जो वेरिएबल है ये ऑर्डिनरी नहीं है, ये पॉइंटर वेरिएबल है और ये क्या होल्ड कर सकता है, कोई भी अदर इंटीजर वेरिएबल का एड्रेस. और ये स्टार जो है वो अलग है, वो भी हम पीटीआर के साथ ही यूज करने वाले हैं, कोई भी पॉइंटर वेरिएबल के साथ. बट उसका मीनिंग क्या हो गया, पीटीआर में जो भी एड्रेस है वहाँ की वैल्यू, वैल्यू एट एड्रेस, दैट इज द मीनिंग ऑफ दैट स्टार. ओके, व्हेनेवर वी आर नॉट यूजिंग इट इन द डिक्लेरेशन देन इट्स मीनिंग विल बी चेंज्ड. Getting? This is a pointer concept. Now next point है pointer to pointer. तो अगर आपको ये जो address है कोई pointer variable का वो अगर किसी और variable में store करना है तो वो भी allowed है. तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो इस type से variable declare करेंगे, let int star star ptr2. Okay, तो इसका मतलब क्या हो गया, देखो int star star ptr2, ptr2 क्या है, एक variable है बट इट इज़ अ पॉइंटर वेरिएबल. दिस फर्स्ट स्टार जो भी यहाँ पे है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये पी टी आर टू एक पॉइंटर वेरिएबल है और एक किसका एड्रेस होल्ड कर सकता है यहाँ पे जो भी है उसका, मतलब इंट स्टार का. इंट स्टार मतलब एक ऑलरेडी इट इज़ अ इंटीजर पॉइंटर. तो कोई भी अगर इंटीजर पॉइंटर है उसका अगेन एड्रेस आपको किसी और पॉइंटर वेरिएबल में स्टोर करना है तो आपको इस टाइप से वो पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा. तो इसका मीनिंग देखो पी टी आर टू इज अ पॉइंटर वेरिएबल. दिस फर्स्ट स्टार इंडिकेट्स दैट दिस इज अ पॉइंटर वेरिएबल और इसमें आप कोई भी अदर इंट स्टार वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर सकते हो, सिंपल. तो पी टी आर टू में हम एड्रेस ऑफ पी टी आर स्टोर कर सकते हैं. देन तो इंटरनली पी टी आर टू क्रिएट हो गया. इनिशियली इसमें गार्बेज वैल्यू होगी और इसका एड्रेस सपोज है 4000, एनीथिंग, इट मे बी एनीथिंग एड्रेस यू कैन अज्यूम. ओके, एनीथिंग. नाउ पी टी आर टू इज पॉइंटिंग टू पी टी आर. नाउ ये कब कह करो के कब कह सकते हो, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा पी टी आर टू इक्वल टू एड्रेस ऑफ पी टी आर. तो एड्रेस ऑफ पी टी आर ये 1 2 3 4 ये पी टी आर टू में आ गया. तो अभी ये इसको पी टी आर को पॉइंट कर रहा है. Getting? तो यूजिंग पी टी आर टू यू कैन एक्सेस पी टी आर, यूजिंग पी टी आर टू इवन यू कैन एक्सेस एक्स ऑल्सो. ओके, यू विद द हेल्प ऑफ दिस इनडायरेक्शन ऑपरेटर. अगर हम एक्स डिस्प्ले कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, सिंपल 10 मिलेगा. ओके, करंटली आई एम अज्यूमिंग दैट देयर इज 10. ओके, नाउ अगर हम पी टी आर डिस्प्ले कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, 1111, बिकॉज पी टी आर में क्या है 111. पी टी आर टू डिस्प्ले कर रहे हैं हम सपोज तो हमें मिलेगा 1 2 3 4. अगर हम स्टार पी टी आर कर रहे हैं, स्टार पी टी आर हमने देखा है, स्टार पी टी आर मतलब वैल्यू एट एड्रेस पी टी आर, वैल्यू एट एड्रेस 1111, दैट इज नथिंग बट 10. ओके, नाउ स्टार पी टी आर टू अगर हम डिस्प्ले कर रहे हैं तो क्या मिलेगा हमें, स्टार पी टी आर टू मतलब स्टार मीन्स वैल्यू एट एड्रेस पी टी आर टू, पी टी आर टू इज 1 2 3 4, वैल्यू एट एड्रेस 1 2 3 4, वॉट इज दैट, सी 1 2 3 4 इज हियर, वॉट इज द वैल्यू ऑफ दैट एड्रेस, दैट इज 1111. और अगर हम यूज करें स्टार स्टार पी टी आर टू तो हमें क्या मिलेगा, ऑफकोर्स स्टार स्टार मतलब वी हैव टू गो टू टाइम्स हियर, लाइक 10 वी विल गेट. हाउ,
See, star PTR2 means value at address. Okay, star value at address PTR2 in this way. So PTR2 क्या है अभी? 1, 2, 3, 4 है. तो value at address 1, 2, 3, 4 क्या है? 1, 1, 1, 1. Okay, यहाँ पे आ गया 1. तो ये star क्या करे again? Value at address 1, 1, 1. That means nothing but 10. तो star PTR2 तो हमें 10 मिल जाएगा. Getting means same direction operator हम 2 times अगर पॉइंटर टू पॉइंटर के साथ यूज कर रहे हैं तो जो भी ओरिजिनल वेरिएबल है उसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी. दिस इज जस्ट अ पॉइंटर टू पॉइंटर कॉन्सेप्ट. गेटिंग? तो यहाँ पे हमने क्या देखा, पॉइंटर क्या है, एक वेरिएबल है बट इट इज नॉट अ ऑर्डिनरी वेरिएबल. इट इज अ वेरिएबल दैट कैन होल्ड एड्रेस ऑफ एनी अदर वेरिएबल. तो हम इंटीजर पॉइंटर अगर क्रिएट कर रहे लाइक इंट स्टार डेटा टाइप होगा उसका और हम कोई भी आइडेंटिफायर यूज कर सकते हैं वहाँ पे. यहाँ पे हमने PTR किया तो वो इंटीजर वेरिएबल का एड्रेस होल्ड करेगा. अगर कैरेक्टर पॉइंटर है तो कैर स्टार XYZ. इन दिस वे वी हैव टू क्रिएट दैट पॉइंटर. नेक्स्ट थिंग इज अगर हमें किसी पॉइंटर वेरिएबल का एड्रेस और कोई वेरिएबल में स्टोर करना है तो वो भी पॉसिबल है. सी, फर्स्ट यू हैव टू रिमेंबर दिस एड्रेस ऑफ ऑपरेटर. ओके, देन ओनली यू कैन फेच द एड्रेस एंड स्टोर इनसाइड पॉइंटर वेरिएबल. और पॉइंटर टू पॉइंटर क्या है कि पॉइंटर टू पॉइंटर इज नथिंग बट अ वेरिएबल दैट कैन होल्ड एड्रेस ऑफ एनी अदर पॉइंटर वेरिएबल. यहाँ पे PTR2 इज अ पॉइंटर टू पॉइंटर वेरिएबल. गेटिंग? दिस इज जस्ट अ इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ पॉइंटर्स. ये पॉइंटर कॉन्सेप्ट हमें बहुत यूजफुल है अगर आप डेटा स्ट्रक्चर्स इंप्लीमेंट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ सी लैंग्वेज, अगेन विद द हेल्प ऑफ C++, देन दिस इज वेरी मच हेल्पफुल टू यू. अगेन वन मोर पॉइंट, कॉल बाय रेफरेंस कॉन्सेप्ट इज देयर इन C++ एंड सी. इन दैट ऑल्सो वी विल यूज अ पॉइंटर कॉन्सेप्ट. ओके, दिस इज अ वेरी मच इंपॉर्टेंट बट इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट इन सी लैंग्वेज. इन द नेक्स्ट सेशन वी विल सी दैट कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस इन फंक्शंस. टिल दैट टेक केयर. बाय बाय. थैंक यू.